जाओ 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 जल्दी जाओ, दादू के पैर छू दादू की। ए सवाज धोखा दादू की धोखा बेटा। हाँ साल में बारह साल बोला हैप्पी न्यू ईयर दादू। ए नाती अभी भी दिया बोले नानू में नहा लिया दादू में नहा लिया अभी जय जय करूंगा चलो। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और फ्रेंड्स आज है 1 जनवरी 2021। तो फ्रेंड्स आज से हो गया है नया साल शुरू, तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हम हो गए रेडी, और ये देखिए हमारे प्यारे से गुड्डे को दिखाओ, सबको दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये देखो आज हमारे प्यारा सा गुड्डा कितना सोना लग रहा है। ये देखो बोलो हेलो, बोलो गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स बस हम हो गए हैं रेडी नहा धो के, आज बिहान को काफी जल्दी नहला दिया और पूजा हो गई है। और बस वही है कि सुबह के ब्रेकफास्ट में हलवा बनाया है पापा के लिए, और बस उनको चाय दी है, सुबह लड्डू और वो खा लिए थे उन्होंने। उसके पापा इसके पापा गए थे सुबह कंपनी, तो फिर तभी फिर उनके लिए मतलब वो लड्डू और चाय पी गए थे। मैंने कहा उनको हलवा बना देती हूँ, लेकिन वो बोली कि नहीं अभी तो नहीं, सुबह सुबह नहीं बाद में खा लूंगा। तो फ्रेंड्स बस उनके लिए फिर वो चाय और लड्डू सुबह ले खा गए थे, और उनका टिफिन बना दिया सुबह 4 बजे उठ के। और बस अभी फिर अभी काम करेंगे। तो आज बहुत ही है स्पेशल दिन हम सब के लिए, क्योंकि घर से मायके से भी कोई आने वाला है संक्रांति देने के लिए, मकर संक्रांति क्योंकि अभी आने वाली है, तो हमारे इसमें संक्रांत बोला जाता है, तो संक्रांत का त्योहार दिया जाता है, तो उसी त्योहार को देने के लिए आज मायके से भी आने वाले हैं। तो कौन कौन आने वाले हैं ये व्लॉग में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो प्लीज व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, चलिए। ये क्या कर रहे हो। हलवा खा लो, टेस्टी है। खा लो आराम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ मतलब कि दोपहर के खाने का प्रिपरेशन, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर सब्जी काट रही हूँ, और साथ में ही फिर मैं ये विहान को खिला रही हूँ पराठा। उसके लिए मैंने सेक दिया था क्योंकि मुझे लगा कि उसे भी काफ़ी भूख लगी होगी, तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि काम आज बहुत ज़्यादा है, तो बस इसी वजह से फिर मैं मतलब कि उसके लिए पराठा सेक दिया, और मैं यहाँ फिर साथ के साथ फिर मैं सब्जी काट रही हूँ। और विहान भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे पास प्यार से बैठा है और काफ़ी फिर मस्ती कर रहा है। कौन आ गए। नानू कौन आ गए बेटा। नानू आ गए। किसके नानू है ये, किसके नानू है ये, है गुड्डू किसके नानू आ गए। टिंकू आ गए, आ जाओ देखो भाई आ गए भाई। ये रुकने वाला नहीं है अभी। दो मामू आ गए, जा जाओ सामान उठा लो, जाओ जाओ उठा लो सामान उठा लो। ओह ये तो अपनी चीज देखने लग गया है। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसा कि अभी आपने देखा था कि अभी आए थे मेरे पापा और साथ में आया है मेरा भाई संक्रांति देने के लिए, मतलब जो हम लोग संक्रांत बोलते हैं वो देने के लिए। तो
तो आप देख सकते हैं कि विहान भी आज कितना ज़्यादा खुश है। तो बस अभी फिर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी साल तकरीबन 1.5-2 साल बाद ही पापा आए हैं। अदरवाइज़ तो भाई आता है सकरात देने के लिए, पर इस बार पापा और भाई दोनों आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, नानू की भी खा लो, जाओ दादू की भी खा लो, दादू की भी खाओ। साना बेटा खेलो मामू के साथ, खेलो मामू के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैंने चाय के साथ में बनाई है आलू की कचौरी। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि अब यही बना लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि पापा वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेट पहुँचे हैं यहाँ पर, तो इसी वजह से फिर खाने के लिए मना कर रहे थे। अभी दोपहर का टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो इसी वजह से फिर उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई कुछ डिफरेंट सा बना लेती हूँ, तो इसी वजह से फिर मैदा भी रखी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आलू की कचौरी बना लेती हूँ। तो बस अभी वही बनाई है, तो अभी बस यहाँ पर पापा और मतलब दोनों पापा बैठे हुए हैं आराम से। विहान को देखो कैसे अपने नानू की गोद में आराम से बैठा है। और देखिए, ये पहला ऐसा मौका लग रहा है मुझे कि इतना अच्छे से, मतलब कि सुकून से दोनों पापा एक साथ यहाँ पर बैठे हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। ऐसे जो मौके होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम आते हैं, और ये कुछ यादगार पल होते हैं जो हमेशा ज़िंदगी भर हमें याद रहते हैं। क्योंकि ऐसा शायद पहली बार ही ऐसा मौका पड़ा है कि साथ में, मतलब कि ऐसे रुकने का मौका पड़ा है, तो आज पापा यहीं रुकने वाले हैं, तो इसलिए विहान आज काफ़ी सारी मस्ती भी करने वाला है। तो आप देख सकते हैं, अभी विहान को घुमाने के लिए उसके मामू थोड़ा बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो रोने लग गया था, तो फिर सोचे कि उसे थोड़ा बाहर लेके चल जाते हैं। और फ्रेंड्स, उसकी जो रेसिपी है वो मैंने शेयर नहीं की आपके साथ में कचौरी की, वो मैं कभी और आपके साथ में शेयर करूँ, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था। और आप देख सकते हैं विहान के पापा को भी आज कुछ काम तो उन्होंने भी बांट लिया है। और विहान को देखिए कैसे दादू से साइकिल पर घुमा रहे हैं, और कितना अच्छा पल लगता है ऐसा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब, मतलब ये जो इमोशन। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से ऐसे ही शाम के खाने का भी टाइम हो गया, और काफ़ी अभी ठंडी का टाइम है, तो फिर बहुत ही जल्दी जल्दी दिन छिप जाता है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी रात के खाने का भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं खाने में बना रही हूँ आज मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि विहान के पापा बोले कि पापा काफ़ी दिन बाद आए हैं, तो क्यों ना कुछ स्पेशल सा हो जाए, क्योंकि न्यू ईयर भी है आज, तो अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ पनीर कट, तो बस वही अभी मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो अभी ऐसा है कि विहान तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, तो वो तकरीबन बोल सकते हैं कि मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, काफ़ी अच्छे से मतलब कि खेल लेता है सबके पास में। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी पनीर मैंने पूरा अच्छे से कट कर लिया है, तो बस अभी इसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ फ्राई, क्योंकि क्या है ना, फ्राई करने के बाद में पनीर जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, तो बस अभी जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, तो उसके बाद में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं उसी में मैंने तेल डाल लिया था, उसी कढ़ाई में मतलब कि, और उसके बाद में बस यहाँ पर फिर मैंने लहसुन और प्याज का जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल दिया, और फिर अभी मैंने यहाँ पर टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर दी है। तो बस इसी तरीके से अभी जल्दी जल्दी क्या है ना, जल्दी जल्दी बना लूँगी, तो फिर इतना हेडेक नहीं रहेगा, क्योंकि विहान के पापा बोले जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि रात में फिर ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसी वजह से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी कर रही हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने पनीर भी डाल दिया है और मटर वगैरह सारी चीज़ें डाल दी है, और अभी आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा और पकेगी अच्छे से तो फिर इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी स्टेज पर फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है गर्म मसाला। तो विहान के पापा को एक्चुअली ना ज़्यादा फिर मतलब कि ज़्यादा प्यूरी पतली कर देंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक ठीक रखने बोलते हैं। तो बस अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी मटर पनीर की सब्जी हो चुकी है रेडी, और यहाँ पर अभी मैंने डाल दिया धनिया पत्ता। तो बस अभी ऑलमोस्ट जो मेरा खाना है वो बन चुका है। तो बस अभी वही है कि सब खा लेंगे तो फिर वही है कि शाम का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर विहान को अपने मामू के साथ में खड़ा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पनीर की सब्जी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने बना लिए हैं चावल, उसके बाद में यहाँ पर मैंने बना लिया है बाजरे का चूरमा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी थाली हो चुकी है पूरी तरीके से रेडी। रोटी भी मैं गर्मा गर्म बनाते जा रही थी, और गर्मा गर्म फिर मैंने सोचा कि सर्व कर दूंगी सबको। तो बस अभी पापा मतलब दोनों पापा तो अभी नहीं खाने वाले हैं, वो बोल रहे थोड़ी देर में खाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं क्या है साथ के साथ बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे आटे के भी हाथ हैं। तो मैं साथ के साथ फिर मैंने सोचा कि भाई खा लेगा, तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए अभी थाली लगा दी है। तो तब तक फिर भाई खा लेगा और पापा वगैरह फिर बाद में खाएंगे। तो आप देख सकते हैं विहान को। तो चलिए फ्रेंड्स, बस अभी भाई को डाल देती हूँ खाना, मतलब दे के आ जाती हूँ, वो खा लेगा। और मैंने उसे बोला कि कमरे में पापा वगैरह के पास में टेबल वगैरह अरेंज कर रखा है, वहीं पे बैठ जाओ। तो बोलता है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने इधर अंदर बैठ जाऊँगा, कोई वो नहीं है। और बस अभी ये देखो आप, विहान को बोल रहा है कि मैं ही लेके जाऊँगा मामू के लिए खाना। तो आप देख सकते हैं, और विहान की ये खास बात है कि विहान को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कोई भी जैसे घर में सदस्य आता है तो उनकी केयर करना और खाना पानी सब कुछ काफ़ी अच्छे से मतलब कि पूछता है, पकड़ाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बस अभी भाई बहुत ही सिंपल सा है वो, मतलब इतना वो नहीं रखता है, चीज़ों को लेके इतना सोचता नहीं है। आप देख सकते हैं चारपाई पे आराम से बैठ गया है, और भाई के और पापा के आने की खुशी कुछ अलग ही होती है फ्रेंड्स। ऐसे करो, ऐसे करो, ओ तेरी की, ऐसे ताली बजाओगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी खाना हो चुका है सबका, और बस अब आप देख सकते हैं विहान कर रहा है अपने मामू के साथ में बहुत सारी मस्ती, और नानू के साथ में भी वो बहुत ज़्यादा क्लोज है तो वो बहुत मस्ती करता है। और आज पापा यहीं रुके थे तो सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, विहान भी बहुत ज़्यादा खुश है, और टिंकू से मतलब जो मेरा भाई है उससे तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। यहाँ देखिए विहान की मस्ती, भोले भोले बम बम भोले, बस। अच्छा नाना मुन्ना तो सुना दो सबको, वाह भाई वाह, करो तो सुना दो। हाँ सुना दो, तो नाना मुन्ना सुना दो, सुना दो। हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं अभी 9 बजे का टाइम हो गया है फ्रेंड्स, और अभी जस्ट मैं बर्तन साफ करके आई हूँ, और बस अभी विहान को सुलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही एंजॉय किया विहान ने, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसके दादू और नानू दोनों ही थे, मामू थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में।